फ्रेंड्स, केले के पत्ते में इस मछली को एक बार इस तरह से बनाकर खा के देखिए, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ मछलियाँ ले लिया है, जिसे मैंने पहले अच्छे से धो के पूरा पानी छान लिया है, और मछली के बीच बीच में हमने एक चीरा लगाया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक या छोटा एक चम्मच नमक, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, क्वार्टर चम्मच गरम मसाला पाउडर, क्वार्टर चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर, एक चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट, हाफ चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच या बड़ा एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी राई का तेल। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज के प्याज को पतला पतला करके काट लिया है। प्याज को डाल देंगे, तीन चार हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा के डाल देंगे, और थोड़ी सी कटी हुई हरा धनिया पत्ता। अब हम मछली के साथ में इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। देखिए फिश के ऊपर कितने अच्छे से मसाला कोटिंग हो गया है। अब हम इसे ढक के 15 से 20 मिनट तक रखेंगे। 15-20 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है। तवे पे हम डालेंगे एक केले के पत्ते। पत्ते को पहले धो ले अच्छे से, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यानी राई का तेल, और तेल को पत्ते के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे या अच्छे से फैला देंगे। अब हम फिश को पत्ते के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से दीजिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो अच्छा रहेगा। जो ये मसाला प्याज है, इसे हम साइड साइड में से दे देंगे, फिश के ऊपर ना दे। फिर क्या होगा, ऊपर का जो मसाला है वो जल जाएगा और फिश अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो सारे मसाला को हमने साइड साइड से दे दिया है। अब हम इसे गैस में चढ़ाएंगे। गैस को चालू करेंगे और इसे 2 मिनट तक हाई मीडियम फ्लेम में रखेंगे, और फिर इसे हम मीडियम फ्लेम में कर देंगे। तो फिश को हमने चढ़ा दिया है गैस पे, ऊपर से एक केले के पत्ता देके इस तरह से ढक देंगे, और फिर हम इसे कवर कर देंगे। कवर कर करके हम इसे 10 से 12 मिनट तक घुमा घुमा के इसको पकाएंगे। गैस को चाहे तो आप बीच बीच में कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 10-12 मिनट के बाद देखिए हमारा फिश बनके तैयार हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है और अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे पलटी करेंगे। मैंने एक प्लेट ले लिया है। प्लेट में हम फिश को इस तरह से डालेंगे। देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब थोड़ा गीला गीला रहे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम ऑपोजिट में एक पत्ता देके इसे इस तरह से पलटी करिए आराम से। देखिए पत्ते के ऊपर इस तरह से दाग आना चाहिए। अगर पत्ता आपका फट गया है तो आप डबल पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसे इस तरह से पत्तों को निकाल लेंगे, ऐसे हल्का हाथों पत्तों को निकाल ले। अगर आपका पत्ता नहीं निकालते हैं तो थोड़ा सा इसे इस तरह से गैस पे चढ़ाए और फिर इसे ढक दे, और 1-2 मिनट के बाद इसे निकाल दे। अब हम फिर से फिश को ऑपोजिट साइड पकाएंगे। ऊपर से हमें 3-4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देना है इस तरह से। फिश के चारों तरफ ऑयल अच्छे से डालें, और ऑपोजिट साइड भी हमें 7-8 मिनट मीडियम फ्लेम में पका लेना है। फिर से हमें इस तरह से ढक देना है। इसका जो एरोमा होता है, इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए ऑपोजिट साइड को भी आप पत्ते से कवर कर दे, है ना। और इस तरह से घुमा घुमा के हम इसे पकाएंगे। 7-8 मिनट के बाद फिश को हम एक बार चेक कर लेंगे। देखिए साइड साइड में से ऑयल आ गया है, बहुत ही अच्छा खुशबू, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखें, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिश हमारा बन के तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो दिखा देती हूँ मैं आपको कि फिश के दोनों तरफ हमारा कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। ये देखिए बहुत ही
जबरदस्त खुशबू है फ्रेंड्स। ये देखिए मसाला एकदम फिश के साथ में अच्छे से लग गया है और फिश जो है ना ये बहुत ही नरम होता है। इसे हम वैसे तो भोला माछ कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे डोमा फिश कहते हैं। हो सकता है आप इस मछली को किसी और नाम से जानते होंगे। थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त टेस्टी है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।